हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम क्लास 12th जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने ही वाला है, सॉफ्ट जोन हो या हार्ड जोन, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर रहेगा, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका मेडिकल है या कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, ठीक है, या कंपाउंड आर्ट्स है, तो उसी के रिगार्डिंग आप कैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चूज़ कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी देंगे कि आप कैसे पढ़ोगे, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम रह गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी होगा आपकी मेहनत का नतीजा ही होगा, ठीक है। चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई की तरफ से, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल को, कितनी बार मैं कहूँ आपको सब्सक्राइब करो, तो आप खुद ही किया करो सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किए तो कर सकते हो सब्सक्राइब, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां पर जा सकते हो और वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अपना जो भी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th की, चाहे मेडिकल आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, ये 12th की बात हो रही है क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए तो हो सकता है आपकी मार्क्स किसी एडमिशन में काम आ जाए, DU में काम आ जाए, या अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन करना चाहता है, जामिया मिलिया में एडमिशन करना चाहता है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहता है, तो हो सकता है आपके 12th के मार्क्स थोड़े से कम आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अब कैसे आप मेहनत कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितने हो सके उतने अपने पास प्रीवियस पेपर्स रखो। हर किसी वीडियो में आपको मैं यही सोल्यूशन देता हूँ कि प्रीवियस पेपर्स रखा करो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अब आप वही टॉपिक चूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपकी फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो रिपीट टॉपिक है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपका सेल है या मोटर, जो भी इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर कोई और सब्जेक्ट आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, या कोई और सब्जेक्ट है, वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट रहता है, ठीक है। आप कहते हो कि मैं ये छोड़ दूंगा, इस साल नहीं आ जाएगा, ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली वो ही क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे जो रिपीटेड हो गए हैं। अगर आपके पास गाइड है, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट MBD गाइड पढ़ता है, ठीक है ना, MBD गाइड पढ़ता है, या कोई और गाइड पढ़ता है, NCERT का कोई और गाइड पढ़ता है, तो अगर उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो उसके राइट साइड में लिखा होता है कि ये 2018 में आ गया है, 2019 में 2020 में आ गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि JK बॉस जब पेपर बनाता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जब भी वो पेपर बनाता है, डिजाइन करता है पेपर, तो वो सबसे पहले प्रीवियस पेपर देखता है, उसी के हिसाब से आपका पेपर जो है वो सेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी हो सके प्रीवियस पेपर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे कर सकते हो, अगर ऑलरेडी है, ठीक है ना, अगर ऑलरेडी है आपके पास प्रीवियस पेपर्स, तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। नीचे आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है प्रीवियस पेपर्स, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं अगर आप मुझे वो प्रीवियस पेपर सेंड करोगे, तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो सेंड करूँगा, अगर है आपके पास तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब आप कैसे टॉपिक जो है वो चूज़ कर सकते हो, कैसे मतलब कि पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको सारे यूनिट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, सारे यूनिट्स आपको देखने पड़ेंगे। जो यूनिट आपको सबसे आसान लगता है ना, सबसे आसान लगता है, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि जो आसान लगता है उसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 12th क्लास का जो स्टूडेंट होता है उसका माइंड ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता, तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे एग्ज़ाम में, तो जो आपको आसान लगता है वही ज़्यादा पढ़ दी, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा भी होगा, और जो JK बॉस का पेपर सेट करता है वो आपको वही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। ये रहा पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कैसे चूज़ करेंगे, अब पता भी नहीं है क्या करेंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, पढ़ना कैसे है, कश्मीरी में जो भी अपनी लैंग्वेज है, आपको कश्मीरी हो या उर्दू हो, हिंदी हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। जब आप वो क्वेश्चन समझ जाओगे, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन
पढ़ा था तो इसका आंसर ऐसा है, इसका आंसर ऐसा है। अपने ही अंदर सबसे पहले उसको स्टोर करना है अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि किसी कश्मीर में दिलियल छोटा याद था, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको आराम से वो क्वेश्चंस याद रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स का 12th क्लास के, उसके लिए मैं रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं बता दूंगा आपको कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास के जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो मेडिकल वाले भी है, आर्ट्स वाले भी है और कॉमर्स वाले भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रीवियस पेपर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने होंगे, जितने साल के हों वो कलेक्ट करो। ठीक है ना, और उसके बाद आपको गाइड अगर आपके पास है उसी के हिसाब से आप पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब आप सिलेबस जो है वो कवर नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप की, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के बाद मैं एक आपको डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसकी जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, और जब आप वो पढ़ोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन मैं रिसीव नहीं करता, ना ही मैं मैसेज किसी को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए अगर आपने कोई और क्वेश्चन है तो मुझे आप नीचे कमेंट किया करो ताकि मैं कमेंट्स पढ़ूं। ठीक है, उसके लिए मुझे टाइम है कमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, मैं किस किस को जवाब दूं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलो जी, ये छोटा मोटा सा वीडियो था, अगर इसको आपने शेयर करना है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई को आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।